Former AIIMS Chief Vigilance Officer Sanjiv Chaturvedi has been transferred from Haryana cadre to Uttarakhand cadre. The centre approved the inter-cadre transfer of Indian Forest Service Officer on Sunday. The Raymond Magsaysay Award winner was given clearance for his inter-cadre deputation by the Appointments Committee of the Cabinet on August 12th. इसका असर ये होगा कि अब मैं जब भी यहाँ पे मेरा टर्म पूरा होगा दिल्ली में केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पे तो मैं फिर जो भी मुझे नया कैडर लोकेट हुआ है वहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करूँगा। आप ये कहा जा रहा था आपका नाम चूंकि तब आया जब आपने एम्स में घोटालों की फाइल खोली वो मामला सामने आया और दूसरा जब आप दिल्ली सरकार में ट्रांसफर के लिए जाना चाहते थे क्या अभी भी आपका क्योंकि जब आप कार्डर बदल चुका है आपको एक साल बाद उत्तराखंड जाकर रिपोर्ट करना होगा अब आगे क्या अभी भी आप दिल्ली सरकार जाना चाहेंगे अपने कार्डर में लौटेंगे देखिए जो दिल्ली सरकार का डिप्टेशन का प्रपोजल था उस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना था और पिछले छह महीने से अभी तक किसी को नहीं पता कि उस पर क्या फैसला लिया गया है वो फाइल कहाँ पे लंबित पड़ी हुई है किसी को नहीं पता नियम इस मामले में बड़े सिंपल थे कि किसी भी अधिकारी को इंटर कार्डर डिप्टेशन पे जाने के लिए केवल 9 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए थी इस केस में कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया कोई ऐसे कॉम्प्लिकेसी नहीं शामिल थी तो मुझे भी नहीं पता कि ये 6 महीनों से मामला क्यों लंबित रखा गया है कब तक लंबित रखा जाएगा किन कारणों से लंबित रखा गया है कहाँ पे है किसी को कुछ नहीं पता He also talked about corruption in the system. मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे कोई सवाल नहीं खड़ा करता हूँ लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर भ्रष्टाचार को वाकई में खत्म करना है तो भ्रष्टाचार केवल जो है भाषण देने या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने से भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको कंक्रीट एक्शन लेना पड़ेगा और आपको फिर जो भी भ्रष्ट लोग हैं चाहे वो कितने भी बड़े पद पे बैठे हों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि हाउ एवर हाई यू मे बी लाइज एवब यू तो उनके खिलाफ कड़ी और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट करना पड़ेगा भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है भ्रष्टाचार केवल भाषण देने या लिप सर्विस करने से कभी नहीं खत्म होने वाला अर्लियर चतुर्वेदी वॉज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीवीओ ऑफ एम्स This was done even though his appointment order had been for a fixed tenure of 4 years ending in June 2016. Chaturvedi also has a reputation as a whistleblower and was reportedly transferred numerous times for exposing scams. Correspondent Ashutosh from New Delhi for ANI.